हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए न्यू पैटर्न स्पॉटिंग करके कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सभी बैंकिंग एग्जाम्स जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, कैनरा बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और जितनी भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की, उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, समय इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में। इस पूरे वीडियो क्लास को प्लीज़ एंड तक देखिए, ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए, इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और बैंकिंग एग्ज़ाम को निकालने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं इसमें, कभी कभी नंबर देता है एग्जामिनर, कभी कभी नंबर नहीं देते हैं। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। बाकी के जो चार पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट आपका करेक्ट है और तीन पार्ट इनकरेक्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सेंटेंस में आपको बोल्ड पार्ट के अलावा जो दूसरा करेक्ट पार्ट है वो आपको फिगर आउट करना है, वो आपको देखना है। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट एक्सेप्ट दिस बोल्ड पार्ट, ठीक है, और वही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो क्लास में मैं कुछ बेसिक टेक्निक्स आपको बताऊंगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस सेंटेंस का अर्थ आप समझें, इस सेंटेंस को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है ये समझें, सारे वर्ड मीनिंग आप समझें, ये जरूरी नहीं है। हालांकि ये हेल्प करता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो उससे जो वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वर्ड कॉम्बिनेशंस की मदद से इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इट इज इनकॉन्ग्रुअस दैट द सेंटर हैव फेल्ड। सेंटर यहां पर एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर हैव नहीं लिखेंगे। तो ये इस पार्ट में गलती हो गई। टू ग्रेस्प द नीड फॉर रिफॉर्म इन द देखिए यहां पर द लगा हुआ है, तो द के बाद हम क्या लगाते हैं? यहां पर दा लगा हुआ है तो दा के बाद हम नाउन लगाते हैं। रेगुलेटिंग नाउन नहीं है, रेगुलेशन नाउन होगी। तो ये इसमें गलती हो गई सेकेंड पार्ट में। रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड व्हेन इट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ इन ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। अब देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट जो है, ये कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो इसलिए हम यहां पर ऑल के स्थान पर हम लगाएंगे इसमें बोथ, ठीक है। अब आप देखिए, केवल ये वाला जो पार्ट है, टू ग्रेस्प द नीड फॉर रिफॉर्म इन द, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू ग्रेस्प व्हाट? टू ग्रेस्प द नीड, ठीक है, फॉर रिफॉर्म इन द, पर्टिकुलर नीड की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर द आया हुआ है। टू ग्रेस्प द नीड फॉर रिफॉर्म इन द, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करेक्ट पार्ट ढूंढ के भी आप सही कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट है, इसमें कोई भी ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअल एरर नहीं दिखाई दे रही है। टू ग्रेस्प द नीड फॉर रिफॉर्म इन द, तो ये पार्ट आपका इसमें सही है, तो आपका आंसर होगा सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है जो इनकंसिस्टेंट है, जो मैच नहीं करता, उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक होते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये है नया पैटर्न और बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इंश्योरेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इसमें हम गलती निकालेंगे। द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अलाउज इन्वेस्टर, देखिए यहां पर एक पर्टिकुलर नाउन है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसलिए द लगा हुआ है, तो ये सही है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो ये वर्ब सही है यहां पर। इन्वेस्टर्स टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं तो एंटर इनटू हम वहां पर प्रयोग करते हैं, एंटर इन नहीं, एंटर इनटू होगा, तो यहां पर यह गलती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू ईदर बाय और सेल गोल्ड समटाइम इन द फ्यूचर, टू ईदर बाय और सेल गोल्ड समटाइम इन द फ्यूचर ऑन ए प्री डिटरमिंड प्राइस। अब देखिए, ए लगा हुआ है, इसका मतलब प्राइस यहां पर नाउन है,
ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर एडजेक्टिव, प्री डिटरमिंड जो है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि प्राइस एक सिंगुलर नाउन है इसलिए यहां पर ए लगा हुआ है। लेकिन जो सही फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो होता है एट ए प्राइस, एट ए प्रीमियम, ठीक है, आपने सुना होगा एट ए प्रीमियम या एट ए प्राइस। तो एट ए प्री डिटरमिंड प्राइस हम बोलेंगे, यहां पर हम ऑन नहीं बोलेंगे, प्राइस दस अलाउइंग इन्वेस्टर फॉर हैज एनी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब से पहले क्या आता है, टू आता है। देखिए यहां पर मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये सेंटेंस किसने बोला है, इसका मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। मैं आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप एक सिंपल एस्पिरेंट हैं और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होते, तो उसके बावजूद भी आप टेक्निक्स को अप्लाई करके किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब देखिए बाकी सारा क्वेश्चन भूल जाइए, अब इसको देखिए, वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द मेटल। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, ऊपर नीचे जाना प्राइस का, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द मेटल, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको कोई गलती लग रही है, देखिए यदि आप सारा सेंटेंस ना भी पढ़े तो इस पर्टिकुलर पार्ट में देखिए, वॉलेटिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्राइस ऑफ द मेटल, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं, यहां पर आपका आंसर होगा 4, ठीक है। बाकी पार्ट्स में मैं गलती बता चुका हूं क्या क्या गलती है, तो ये इसकी टेक्निक है। देखिए एक ये फ्रेश बैच मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च कर रहा हूं और ये एक इंटीग्रेटेड टारगेट बैच है, इसमें सभी बैंकिंग एग्जाम्स कवर होंगे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, कैनरा बैंक, पीजीडीएफ, इंश्योरेंस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, सारे कोर्स इसमें कवर होंगे और सारे एग्जाम्स इसके थ्रू आप निकाल पाएंगे। 6 मंथ की इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी और ये इंटीग्रेटेड टारगेट बैच है, इसमें पूरा इंग्लिश और पूरा जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें एक ऑफर है, यदि आप आज इसको ज्वाइन करते हैं आज शाम 5 बजे तक, तो आपको अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज कंटेंट पार्टनर प्रोग्राम के तहत बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज एडवांस टेस्ट सीरीज है, 1200 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको फ्री इस ऑफर में दी जाएगी। इस पूरे इंटीग्रेटेड टारगेट बैच का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से इस कोर्स का सारा डिटेल भी देख सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इन पेड क्लासेस में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप केवल 4 महीने की तैयारी में किसी भी बैंक के एग्जाम को निकाल सकते हैं। एमपी टेक्निक्स में बताता हूं पैराजंबल के लिए, वर्ड कॉम्बिनेशन टेक्निक बताता हूं क्लोज टेस्ट के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच टेक्निक में बताता हूं स्पॉटिंग एरर के लिए, और एलआरपी टेक्निक बताता हूं मैं फिलर्स के लिए। तो इन टेक्निक्स की मदद से इन क्वेश्चंस को आप विद इन 4 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं और 4 से 5 महीने की तैयारी में हाई पेइंग बैंक जॉब आप ले सकते हैं। तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आप बैंकिंग के सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो यहां पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा और इसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए द सेंटर्स डिसीजन टू इन्फ्यूज, सेंट डिसीजन किसका है, सेंटर का है, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है। सेंटर से पहले हम दा लगाते हैं तो ये सही है, सेंटर में एस लगा है ये सही है। डिसीजन एक नाउन है, नाउन से पहले हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं यदि हम उसका पजेशन दिखाते हैं तो, ठीक है, तो यहां तक सही है। टू इन्फ्यूज 2.11 लाख करोड़ ऑफ फ्रेश कैपिटल इनटू, इन्फ्यूज के बाद हम इनटू लगाते हैं ये सही है, इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब इसमें देखिए एक ही पार्ट करेक्ट हो सकता है, पूरे सेंटेंस में बोल्ड पार्ट के अलावा, लास्ट पार्ट के अलावा, लास्ट पार्ट मान लीजिए, बोल्ड पार्ट मान लीजिए, लास्ट पार्ट के अलावा केवल एक ही पार्ट तो करेक्ट होगा। लेकिन इसमें यहां तक मैंने पढ़ा और इसमें कोई गलती मुझे नहीं लगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेंटेंस ऑल करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट एक ही पार्ट होगा, दो पार्ट करेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि दोनों पार्ट करेक्ट है और कोई गलती नहीं दिखी इसमें। द सेंटर्स डिसीजन टू इन्फ्यूज 2.11 लाख करोड़ ऑफ फ्रेश कैपिटल इनटू, इन्फ्यूज के बाद हम इनटू लगाते हैं, इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के दौरान सेंटर का डिसीजन इतने लाख इन्फ्यूज करने का जो डिसीजन है वो सही है। तो यहां तक मैंने पढ़ा और यहां तक ही पढ़ के मैंने पता लगा लिया कि इसमें कोई एरर नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूं। ईयर्स थ्रू अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म,
देखिए ए किस लिए लगा है, ए लगा है इस नाउन के लिए, मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म एक्चुअली ये एस नहीं होना चाहिए यहां पर, यहां पर ये गलती है इसमें, ये मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन इसमें इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट, क्योंकि शुरू के दो पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। द सेंटेंस डिसीजन टू इन्फ्यूज 2.11 लाख करोड़ ऑफ फ्रेश कैपिटल इन टू पब्लिक सेक्टर बैंक ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, हाँ दो पार्ट करेक्ट है, इसका मतलब ये पूरा करेक्ट है और यहां पर आंसर होगा आपका ऑल आर करेक्ट। हेल्प के बाद, हेल्प एक वर्ब है और हेल्प के बाद हम 2+B1 और केबल B1 दोनों लगा सकते हैं, दोनों ही ग्रामेटिकली सही माने जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए शुड हेल्प टू रिवाइव, आप यहां पर टू रिवाइव भी बोल सकते हैं और हेल्प को बिना टू के भी लगा सकते हैं, हेल्प रिवाइव भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है ये सही है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। द थ्योरीज ऑफ लॉजिकल एटोनिज्म इज अ क्रूशल टूल, अब आप यहां पर देखिए यहां पर क्या लगाए, यहां पर लगाए इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इज किसके लिए लगाते हैं हम, इज एक वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ये अप्लाइड ग्रामर है। एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम में आपसे अप्लाइड ग्रामर पूछी जाती है कि आप ग्रामर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, आपको रूल्स को रटना नहीं है, आपको थ्योरी को पढ़ना नहीं है। यही एक रीजन है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट 3 या 4 साल की तैयारी में भी नहीं निकल पाते हैं और कुछ स्टूडेंट 4 या 5 महीने की तैयारी में बैंकिंग एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको अप्लाइड एस्पेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि इंग्लिश को अप्लाई किस तरीके से करना है। यहाँ पर इज लगा हुआ है तो ये फिर थ्योरी क्यों होगा, थ्योरी नहीं होगा, ये होगा थ्योरी, थ्योरीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये पार्ट आपका गलत है। द थ्योरी ऑफ लॉजिकल एटोनिज्म, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऐसी दो नाउन जो ऑफ के द्वारा जुड़ी रहती हैं उससे पहले हम द लगाते हैं। यहाँ पर थ्योरी एक नाउन है, लॉजिकल एटोनिज्म एक नाउन है, दोनों एफ के द्वारा जुड़ी हैं, यहाँ पर हम द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाउन बन जाती है। द थ्योरी ऑफ लॉजिकल एटोनिज्म इज अ क्रूशियल टूल इन रसेल्स फिलॉसफी मैथड, मैथड क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, मैथड, मैथड है नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव, लेकिन फिलॉसफी क्या एडजेक्टिव है, फिलॉसफी तो एक नाउन है, फिलॉसफिकल जब आप बोलेंगे इसको फिलॉसफिकल तब वो एडजेक्टिव बनेगा, तो इसलिए ये वर्ड यहां पर गलत है, फिलॉसफी फिलॉसफिकल होना चाहिए। लॉजिकल एटोनिज्म कंटेंट्स दैट, लॉजिकल एटोनिज्म सिंगुलर है तो कंटेंट सही है लेकिन इसमें गलती निकल चुकी है, थ्रू रिगरस एंड एग्जैक्टिंग एनालिसिस, अब देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, थ्रू रिगरस एंड एग्जैक्टिंग एनालिसिस, रिगरस मतलब कड़ा और एग्जैक्टिंग मतलब प्रिसाइज, तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस एक नाउन है, नाउन के पहले दो एडजेक्टिव लगे हैं, रिगरस भी है एनालिसिस और एग्जैक्टिंग भी है, एनालिसिस एक ही एनालिसिस, रिगरस भी है और एग्जैक्टिंग भी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है, थ्रू रिगरस एंड एग्जैक्टिंग एनालिसिस, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 3rd। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। यहां पर चूंकि हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसलिए कुड भी हम यहां पर नहीं लगाएंगे, कैन भी हम लगाएंगे यहां पर। तो इन टेक्निक्स को, जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाता हूं, जो टेक्निक्स मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताई हैं, उन टेक्निक्स को आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 4 सेकेंड इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और 4 से 5 महीने की तैयारी में बैंकिंग एग्जाम आप निकाल के गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, इसमें भी मैं सेम आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए डायरेक्टली भी आप आंसर देख सकते हैं, जैसे जैसे इसमें मैं बताता हूं आपको, चलिए इसको पढ़ते हैं यहां से फिर मैं आपको बताता हूं। व्हाइल अमर टाइगर अकर्स एक्सक्लूसिवली इन सब टेम्परेट एंड, आप देखिए इसको देखिए, व्हाइल यहां पर सही है क्योंकि यहां पर हम तुलना कर रहे हैं स्नो कवर्ड हैबिटेट द बंगाल टाइगर, देखिए यहां पर हम अमर टाइगर और बंगाल टाइगर इनकी तुलना कर रहे हैं, तो अब जो चीजों की तुलना करते हैं तो हम वाइल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं व्हाइल सी वॉज डांसिंग ही वॉज सिंगिंग,
एक तरफ वह डांस कर रही थी, दूसरी तरफ वह सिंग कर रहा था। तो दो जब इस तरह के सिचुएशंस हम बताते हैं तो उसमें हम वाइल लगा सकते हैं। तो वाइल यहां पर सही है, अमर टाइगर सिंगुलर है, अमर टाइगर कैसा है सिंगुलर, तो यहां पर अकर्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। एक्सक्लूसिवली इन सब टेम्परेट एंड, अब इस फर्स्ट पार्ट में देखिए कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पार्ट आपका करेक्ट है। लेकिन क्या इसके सारे पार्ट करेक्ट है, ये देखने के लिए हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ना पड़ेगा। स्नो कवर्ड हैबिटेट्स द बंगाल टाइगर्स ऑक्यूपाइज, देखिए यहां पर ऑक्यूपाइज यानी सिंगुलर वर्ब हम ले रहे हैं, तो यहां पर हम टाइगर्स नहीं बोलेंगे, जब यहां पर हम अमर टाइगर बोल रहे हैं तो यहां पर हम बंगाल टाइगर बोलेंगे। ये होता है पैरेललिज्म, ठीक है, एक सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं यहां पर हम एक सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, यहां पर हम प्लूरल नाउन ले रहे हैं, यहां पर हम अमर टाइगर को जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर हम बंगाल टाइगर लेंगे, और बंगाल टाइगर लेंगे तो यहां पर फिर ये सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर सिंगुलर नाउन लगी हुई है। तो ये वाला पार्ट इसमें गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारे पार्ट करेक्ट नहीं है, मतलब इसमें ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन नहीं आ सकता। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा और इसमें कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रही है। वाइल अमर टाइगर अकर्स एक्सक्लूसिवली इन सब टेम्परेट एंड, इसका मतलब यह है कि अमर टाइगर जो मिलता है वो एक्सक्लूसिवली सब टेम्परेट में मिलता है। अब यहां पर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता हूं, स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मुझे सारे वर्ड मीनिंग्स का, सारे वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपको अकर्स का मीनिंग पता हो, आपको एक्सक्लूसिवली का मीनिंग पता हो, आपको पता हो कि सब टेम्परेट क्या होता है, आपको पता हो कि अमर टाइगर क्या होता है, ये जरूरी नहीं है। इसके बिना भी ये सारी चीजें अगर नहीं भी पता है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं केवल इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, कि मैंने बताया यहां पर कि अमर टाइगर है सिंगुलर है तो अकर्स वहां पर सही है, अमर टाइगर कहां पर मिलता है, एक्सक्लूसिवली मिलता है सब टेम्परेट एरिया में। तो इस फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। फिर मैंने आगे वाला पार्ट देखा, आगे वाले पार्ट में भी यही मैंने लॉजिक अप्लाई किया और मैंने पाया कि यहां पर बंगाल टाइगर्स लगा हुआ है जो कि गलत है, यानी दूसरा पार्ट गलत है तो सारे करेक्ट इसमें नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दैट विद 3 months देयर शुड बी एट लीस्ट 2 स्पेशल डिस्पोजिशन सेंटर इन एवरी हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन एज ए पॉजिटिव स्टेप। अब देखिए ये सपोज मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मैंने यहां तक पढ़ा इसको और डायरेक्टली मेरी जो नजर पड़ी इस पर्टिकुलर पार्ट पे पड़ी कि एवरी हाई कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन किसका, अधिकार क्षेत्र होता है ये, अधिकार क्षेत्र किसका, हाई कोर्ट का, इज ए पॉजिटिव स्टेप। क्या इस पार्ट में आपको कोई गलती लग रही है, ध्यान से देखिए, एवरी हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, हर हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक पॉजिटिव स्टेप है, इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं लग रही है और डायरेक्टली आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि ये इस यहां पर इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बाकी के पार्ट में, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई लेकिन बाकी के पार्ट में आपको बताता हूं मैं किस तरीके से आंसर निकालना है। सुप्रीम कोर्ट से पहले द आएगा, ये सही है, द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है निर्देश जो दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, सही है। दैट विद 3 months there should be at least 2 special disposition center, मतलब 3 महीने के अंदर कम से कम 2 disposition center होने चाहिए in every high court jurisdiction। देखिए यहां पर क्या लगा है, इन हम कब लगाते हैं, इन हम फिजिकल एरिया के लिए लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, every high court's jurisdiction, हर high court के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, अंडर एवरी हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लोकेशन हेयर, वी आर सेइंग अंडर एवरी हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, हर हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, तो यहां पर इन नहीं आएगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दैट विद 3 months बोलेंगे या विद इन 3 months बोलेंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर, यहां पर आएगा विद इन, Within 3 months there should be at least 2 special disposition center, 3 महीने के अंदर 2 disposition center होने चाहिए हर high court jurisdiction के अंतर्गत, is a positive step, towards का towards होगा, towards गलत word है, towards होगा,
अब टुवर्ड एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी जो कि सही है, लेकिन टुवर्ड वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सही पार्ट कौन सा है आपका? एवरी हाई कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन इज ए पॉजिटिव स्टेप, ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कंटेक्चुअल एरर भी नहीं है, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंकिंग एग्जाम निकालने के लिए रीडिंग करिए, रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करिए। ये जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सारे वर्ड आपको समझ में आए, केवल आप रीडिंग करिए और थोड़ा अटेंटिव रीडिंग करिए। जब आप रीडिंग करते हैं तो सारे वर्ड कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, जो वर्ड ग्रुप्स होते हैं, जैसे किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको आप पकड़ लेते हैं, और यही चीज़ एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस बात की आप चिंता ना करें, आप पैनिक ना हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे ग्रामर नहीं आती है, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम कैसे निकाल लूँगा। इनके बिना भी आप बैंकिंग का एग्ज़ाम हंसते हंसते आप निकाल सकते हैं, यदि आप इन ट्रिक्स को, इन टेक्निक्स को अप्लाई करें तो। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, द रूलिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन टॉप कोर्ट गिविंग मेंबर स्टेट। देखिए मैंने ये सेंटेंस पढ़ा और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जैसे यहाँ पर रूलिंग जुड़ा है और यूरोपियन यूनियन जुड़ा है, तो उससे पहले हम द लगाते हैं। ठीक है, तो द लगा हुआ है, इसका मतलब कोई गलती नहीं है। द रूलिंग ऑफ द यूरोपियंस यूनियंस टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट जो है ये किसके हैं? यूरोपियन यूनियन के हैं, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर सही है। गिविंग मेंबर स्टेट, ये जो वर्ड है ये कंपाउंड नाउन है और ये सही लिखा है इसमें। ठीक है, जब यहाँ पर डिजिट होती है तब यहाँ पर हम इस नाउन को सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, द राइट इन ग्रांट और डिनाई एसाइलम। राइट के बाद हम क्या लगाते हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, यहाँ पे क्या लगा है? इन लगा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट गलत हो गया। अब ये वाला पार्ट जब गलत हो गया तो इसका मतलब ऑल करेक्ट इसमें आंसर नहीं हो सकता, और फर्स्ट में कोई गलती नहीं लग रही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अब आपका बाकी का जो क्वेश्चन था जिसको पढ़ने में आपका काफ़ी समय खर्च हो सकता था, वो इसमें बच गया आपका, लेकिन समझाने के लिए मैं आगे भी पढ़ देता हूँ इसको। हैज़ कम एज ए वेलकम न्यूज़ फॉर पॉपुलिस्ट हार्ड लाइनर्स हॉस्टाइल टू, देखिए मैंने अभी बताया था कि ऑफ वाली जो नाउन होती हैं, जिसमें दो नाउन ऑफ से जुड़ी होती है, उससे पहले हम द लगाते हैं, यहाँ पर द लगेगा। रिफ्यूजी डेस्परेट टू एस्केप द ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफ इन वेस्ट। रिफ्यूजी जो होते हैं शरणार्थी, वो एक नहीं होते, वो कई सारे होते हैं, यहाँ पर एक शरणार्थी की बात नहीं हो रही है, तो ये होगा आपका रिफ्यूजीज होगा, ये रिफ्यूजीज। तो आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन फिशरमैन क्रॉसिंग इन टू श्रीलंका, श्रीलंका इसको फिर से पढ़ते हैं। इंस्टेंसेस मतलब इस तरह के घटनाएं, द इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन फिशरमैन, इंडिया के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो एक नहीं है, वो कई सारे होते हैं, तो फिशरमैन नहीं आएगा यहाँ पर, मैन आएगा, ये गलत हो गया। क्रॉसिंग इन टू श्रीलंकन वाटर, वाटर तो पानी होता है, यहाँ पर हम श्रीलंकन का जो जो समुद्र है श्रीलंका उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वाटर्स। हैव यहाँ सही है क्योंकि ये इंस्टेंसेस के लिए आया है। हैव ऑलवेज बीन कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉमन प्लेस यहाँ पर नाउन नहीं है, यदि नाउन होती तो इससे पहले ए लगा होता, ये नाउन नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के तौर पर इसका मतलब है यूजुअल, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूजुअल। द इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन फिशरमैन क्रॉसिंग इन टू श्रीलंकन वाटर्स हैव ऑलवेज बीन कॉमन प्लेस, द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सच ट्रांसग्रेशंस इन रीसेंट ईयर्स हैज बीन, नहीं होगा, हैव बीन होगा क्योंकि ट्रांसग्रेशंस लगा हुआ है। लिमिटेड टू सीजर ऑफ बोट्स, लिमिटेड के बाद हम टू लगाते हैं, सीजर एक नाउन है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू हम क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि इंडियन फिशरमैन जब श्रीलंका के उसमें बीच में चले जाते हैं, श्रीलंका के समुद्र में चले जाते हैं, तो उनकी बोट को सीज कर लिया जाता है और कुछ नहीं होता है उसमें। ठीक है, इट इज लिमिटेड टू सीजर ऑफ बोट्स। अब ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए,
क्या इस पार्ट में कोई गलती लग रही है आपको? लिमिटेड के बाद हम टू लगाते हैं, टू के बाद हम नाउन लगाते हैं, लिमिटेड टू वॉट? लिमिटेड टू सीजर। जब आप वॉट बोलते हैं कि किसी भी चीज में जब आप वॉट लगाते हैं, उसका जो आंसर आता है या होता है वो नाउन होता है। जैसे आप बोलेंगे यहां पे लिमिटेड टू वॉट, लिमिटेड टू सीजर, सीजर एक नाउन है और नाउन लगा हुआ है। लिमिटेड टू सीजर ऑफ बोट्स, तो ये पार्ट देखिए आप ध्यान से देखिए, कोई भी इसमें गलती नहीं है। बाकी के पार्ट में मैंने गलती बता दी है आपको क्या क्या है। यहां पर हैव बीन आएगा ट्रांसग्रेशन के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर। चलिए अब देखते हैं फोरकास्टिंग इन द ईयर 2050। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? भविष्य बताना, भविष्य की कल्पना करना। फोरकास्टिंग इन द ईयर 2050, क्या ये पार्ट सही है? 2050 में फोरकास्ट करना क्या मतलब हुआ इसका? 2050 में, 2050 में फोरकास्ट करना। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2050 के लिए फोरकास्ट करना, 2050, सन 2050 में क्या होगा उसके लिए फोरकास्ट करना। तो इन यहां पर ये गलत नहीं है। फोरकास्ट इन द ईयर 2050 क्या मतलब होगा? फोरकास्ट फॉर द ईयर 2050 आप बोल सकते हैं। द यूएन एजेंसी एस्टिमेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है, द यूएन एजेंसी सिंगुलर है तो एस्टिमेट्स यहां पर सही है, इसमें एस लगा हुआ है। एस्टिमेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स इन इंडिया, मतलब यूएन एजेंसी 2050 के लिए फोरकास्ट करते हुए ये बोल रही है, ये एस्टिमेट करती है कि अर्बन रेजिडेंट जो होंगे इंडिया में उनका परसेंटेज क्या होगा। अब आप सेकंड वाले पार्ट को देखिए, एस्टिमेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स इन इंडिया, क्या इस पार्ट में कोई गलती लग रही है आपको? एस्टिमेट सही है क्योंकि किसके लिए आया है? ये अर्बन एजेंसी के लिए आया है। एस्टिमेट्स के बाद हमने एक सेंटेंस बोला है, हमने एक वर्ब के बाद एक सेंटेंस बोला है कि एस्टिमेट, यूएन एजेंसी एस्टिमेट, यूएन एजेंसी एस्टिमेट, यानी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और यहां पर जो दैट से जो पार्ट स्टार्ट हुआ है वो है नाउन, लेकिन ये क्लॉज के फॉर्म में है इसलिए इसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है। तो दैट द परसेंटेज ऑफ अर्बन रेसिडेंस इन इंडिया इसमें सही है और यही इसका आंसर होगा। बाकी पार्ट्स में हम गलती देख लेते हैं। वुड बी 52.8% कंपेयर टू 34 टूडे, वाइल दिल्ली वुड, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एज गलत है इसमें। टोक्यो एज द वर्ल्ड्स मोर पॉपुलस सिटी, इसमें देन तो कहीं दिया नहीं है इसलिए हम मोर नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे मोस्ट, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, पनिशमेंट, पनिशिंग सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रिक्वायर्स, सही है ये पार्ट? ये पार्ट सही क्यों है? क्योंकि रिक्वायर्स एक वर्ब है और इस वर्ब की जो नाउन है वो है पनिशिंग, यानी ये एक जेरंड फॉर्म है, ये एक एक्शन का नाम है, पनिशिंग, उनको पनिश करना, और एक्शन जो होता है वो सिंगुलर होता हो होता है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या है? एक नाउन है, और नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो यहां पर रिक्वायर्ड सही है। सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इंप्रूविंग इन्वेस्टिगेशन, देखिए यहां पर जब पनिशिंग लगा है तो यहां पर भी मैं आईएनजी फॉर्म ही लगाऊंगा। पनिशिंग सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रिक्वायर्स सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन, यहां पर भी स्ट्रेंथनिंग है और यहां पर भी इम्प्रूविंग है, तो इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, यहां पर भी आईएनजी फॉर्म लगाया जो कि सही है। टेकिंग द चाइल्ड्स टेस्टिमनी सीरियसली, ठीक है, तो हमने फर्स्ट और दो पार्ट देखे और उसमें पाया कि इन दोनों पार्ट में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, और बैंकिंग के रेगुलर वीडियोस, बैंकिंग के कुछ मॉक टेस्ट भी मैं शुरू करूंगा यूट्यूब चैनल पर, पेड क्लासेस में मैं रेगुलर मॉक टेस्ट ले रहा हूँ 30-30 नंबर के, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी रिसेंटली सिलेक्शन भी हुआ है IBPS PO में। तो यदि आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक फ्रेश बैच, एक इंटीग्रेटेड टारगेट बैच मैंने अभी लॉन्च किया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से उसको ज्वाइन करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में।
थैंक यू।